हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ नमक पारे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आप छोटी मोटी भूख में या फिर चाय के साथ ले सकते हैं। तो चलिए आज हम नमक पारे बनाने की रेसिपी शेयर करते हैं। नमक पारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम मैदा, एक स्पून लिया है अजवाइन और कलौंजी, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, स्वाद अनुसार नमक। कलौंजी को कई जगह पे मंगरेल भी कहा जाता है, तो इसे आप मंगरेल या फिर कलौंजी कह सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके अब यहाँ पे हम डालेंगे 4 बड़े स्पून से रिफाइंड तेल, जो नॉर्मल चम्मच होती है ना, उस चम्मच से 4 स्पून डालेंगे। और यहाँ पे हाथ की सहायता से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मैदे में सारी चीज़ें, और हम इस तरह से चेक करेंगे मुट्ठी बांध के कि हमारा मोयन है वो अच्छे से पड़ा है या नहीं। तो अब देखिए ये एकदम बॉल के फॉर्म में बंध रहा है, इसका मतलब कि मोयन जो है वो परफेक्ट डल चुका है। अब थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके हम सख्त डो तैयार करेंगे। मोयन जो है वो एकदम बराबर डलना चाहिए, तभी जो नमक पारे हैं वो एकदम खस्ता बनेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हमने आटा लगा करके तैयार कर लिया है। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखिए अब जो मैदा है उसके मैंने 3 लोइयाँ बना लिया है यहाँ पर, क्योंकि हम इसे बेलेंगे और बेलने के बाद कट करेंगे, तो इस वजह से ज़्यादा बड़े या फिर ज़्यादा छोटे लोइयाँ नहीं बनाना है। अब इसे हम बेलन की सहायता से बेल लेते हैं। बस ध्यान रहे कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पतली या फिर बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, बस मीडियम से रखना है, जैसे हम पराठा के लिए बेलते हैं ना उस टाइप में, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब से हम चाकू की सहायता से इसकी कटिंग कर लेते हैं। शेप आप अपने अनुसार दे सकते हैं, चौकोर भी कट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए जो नमक पारे हैं उसको मैंने बेल कर काट करके तैयार कर लिया है। तो अभी सब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे बना करके आप एयर टाइट कंटेनर डब्बे में रख दें और 1 से 2 महीने तक खा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सारे जो नमक पारे हैं उसको हम छुड़ा लेंगे। अगर नहीं भी छुड़ाते हैं तो कोई बात नहीं, ये ऑयल में जाते के साथ ही अपने आप ही अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, बस ध्यान रहे कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। गैस का फ्लेम है वो मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई ना रखें। और यहाँ पे देखिए ये नमक पारे को हम अच्छे से तेल के साथ डिप कर देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे डीप फ्राई करेंगे। इसे 2-2 मिनट में चलाते रहिए ताकि जो नमक पारे है वो सारे का कलर एक जैसा आए। तो यहाँ पे देखिए नमक पारे का कलर चेंज हो चुका है और यहाँ पे ये फ्राई भी हो गया है। तो नमक पारे तल करके तैयार है। अब गैस का फ्लेम जो है वो सिम कर दें और इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब इसी तरह से और भी बचे हुए नमक पारे को हम तल करके तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि जो नमक पारे है वो कितना खस्ते और एकदम करारे बने हैं। तो इसे आप बना करके एयर टाइट कंटेनर डब्बे में रख दीजिए, और बारिश का टाइम है, आप इसे चाय के साथ कभी भी ले सकते हैं, ये बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद है। यहाँ पे नमक पारे बन करके तैयार हैं और यहाँ पे आवाज़ देखिए इस तरह से पता चल रहा है कि ये कितना खस्ता और एकदम क्रंची बना है। तो आज की वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बार इसी तरह की एक और नई रेसिपी के साथ।